यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सितंबर मंथ का एग्जाम हो रहा है और अभी यानी कि आज आप लोगों का जो है ना फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है, ठीक है, जो कि आज 23 सितंबर के दिन होगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो, यह बिल्कुल फेक नहीं है। 117 विषय कोड है आपका, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। मैं आपको जो ना दोनों क्वेश्चन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजा, उनको भी आंसर देना है। तो देखो 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। मैं बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आंसर बताऊंगा, नोट करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग नोट करना, ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल सही से उत्तर बताऊंगा, नोट करते चलना। दो नंबर क्वेश्चन का उत्तर नोट करोगे तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर लेना, ये जो है 0 के बराबर होगा, ठीक है, डी नोट कर लेना। तीन नंबर क्वेश्चन का नोट करोगे तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव भी बता दूंगा, ठीक है। 4 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर आपका जो ना 4 नंबर का, ये जो है प्रॉपर याद नहीं, इसको छोड़ना। 5 की बात करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका भी ए होगा, ठीक है, नोट करते चलना। बिल्कुल 100% सही सही आंसर है। 7 की अगर बात करेंगे ना तो इसका भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन 8 नंबर की अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 0, ठीक है, नोट करते चलना। 9 नंबर का मिला लीजिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा, 10 का करेक्ट आंसर आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नहीं होगा। 11 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नोट करते चलिए। 12 नंबर का नोट करिएगा तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 है, 13 का नोट करिएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 का नोट करिएगा ना तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते, 15 नंबर है, 15 का नोट करिएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 16 का नोट करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलो मैं आपको पहले पीडीएफ, देखो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव भी, मैं आपको और भी बताऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, बट इसका आंसर आपको कहां पर मिलेगा तो वहीं पर मिलेगा जहां से भी डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी गूगल से बता देता हूं कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। क्या करोगे, आपको गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन करके सर्च करोगे क्या मिथुन स्टडी सेंटर तो आपको मिल जाएगा। चलो मैं सिखा देता हूं, आप वीडियो देखने के बाद जस्ट जाना सब्जेक्ट कौन से, फटाफट से लिख लेना। तो प्यारा बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, गूगल या क्रोम को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग गूगल में जाइए और मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिए। इसके बाद आप आराम से ऊपर करिए, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। नीचे आइएगा ना तो क्लास 11th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लास 11th लिखा हुआ है, ये सेप्टेम्बर मंथली एग्जाम के लिए दिया गया फर्स्ट वाला, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा ना तो आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे आइए, ठीक है। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये साइंस का सेशन है और यहाँ पर आपको फिजिक्स मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पर क्लिक करना है ना। अभी आप लोग नीचे आओगे तो देखो आंसर क्या अभी नहीं दिख रहा होगा सब्जेक्टिव का, लेकिन आप कुछ देर बाद इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट जैसे ही वहाँ जाओगे, रिफ्रेश वगैरह मारोगे, मतलब कि मैं 5 मिनट के अंदर में डाल दूंगा वीडियो, जैसे ही अब 5 मिनट हो जाएगा डाला हुआ, मैं बिल्कुल डाल दूंगा, आप जाकर के देख लो, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी से पेपर आया इसलिए डालना पड़ा। सब्जेक्टिव भी यहाँ पर चेंज आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पर आइए, यहाँ से बिल्कुल आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मैं ट्राई कर रहा हूँ डाल देने का, तो आप यहाँ से आओ, पेज को रिफ्रेश करो, बिल्कुल आंसर की आपको दिख। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने और भी क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करते चलिए। 18 नंबर में पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। 18 का डी नंबर नोट कर लेना है, 19 का बात करेंगे, ऑप्शन ए नोट कर लेना है, ठीक है। 19 का बात करेंगे, ऑप्शन ए होगा, अरे नहीं, इसका बी होगा। और 18 का मैंने क्या बोला, 18 का आंसर मेरे को प्रॉपर नहीं याद है, ठीक है, 18 का छोड़ देना। 20 नंबर की बात कर लेते हैं, 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, 20 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बताए थे आपको आंसर इन सभी का, एक सेकंड 15 नंबर से देख लेते हैं, चलो फिर से बता देता हूँ, यहाँ से लगता है हम कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 13 का मैंने बताया था शायद आपको ऑप्शन नंबर, एक बार देख लेना अगर छूट गया होगा। और 14 का मैंने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर 20, एक समान समान गति। 15 का देख लो, 15 का मैंने बताया था ऑप्शन नंबर सी, 16 का मैंने बताया था ऑप्शन नंबर ए। और चलिए आगे अगर छूट गया होगा तो मिला लीजिएगा। 17 नंबर है ना, 17 का प्रॉपर ये आपका बी नंबर हो जाएगा, नोट कर लेना, और ये मैंने बता ही दिया। अब चलो 21 नंबर की बात कर लेते हैं, 21 का आंसर की नोट करिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना 22 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन का नोट करना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद केमिस्ट्री का पेपर आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का जस्ट आएगा। चलिए 24 नंबर का देखिए, ऑप्शन सी होगा। 25 की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 का बी नंबर हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल। 26 नंबर की बात करेंगे ना तो आंसर की ए हो जाएगा। और 27 की बात करेंगे तो ये मेरे को प्रॉपर नहीं याद है, इसको छोड़ देना। 28 नंबर की बात करेंगे ना तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और 29 नंबर भी मेरे को याद नहीं है तो इसको भी छोड़ देना। और 30 नंबर की बात
करेंगे तो 30 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर करेक्ट होगा। तो मैंने ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आपको बनाना था 25 क्वेश्चन, उससे ज्यादा ही बता दिया। ठीक है, अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना। अब देखो जहां तक स्टूडेंट मेरे को पेपर भेजा, इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का ही आंसर क्वेश्चन भेजा, तो मैं इसका आंसर डालूंगा। सदिश गुणनफल के गुणों को लिखे, दूसरा के औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग को परिभाषा दे, तीसरा के परिक्षेप, क्षैतिज, अपरास और महत्तम लिखे, चौथा के न्यूनतम के संघात नियम क्या है, 15 5 नंबर घर्षण तथा विलल जो ना विराम विकोण क्या है, अगली क्वेश्चन 6 की गति ऊर्जा तथा संवेग के बीच में संबंध करे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जस्ट उत्तर अभी डाल दे रहा हूँ, आप जल्दी से ना जाकर के डाउनलोड कर लो। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।